हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ किंग इन किचन। आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ मेथी पुलाव। मेथी का नाम सुनते ही आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ही कड़वा रेसिपी होगा, लेकिन मेरा यकीन कीजिए कि ये बिल्कुल ही कड़वा नहीं होगा अगर आप इसे बनाएंगे मेरी तरह। और आप इसे खाने के बाद मटन पुलाव या चिकन पुलाव भी आप खाना भूल जाएंगे। ये रेसिपी मुझे मेरी कजिन सिस्टर से मिला है, तो इसलिए मैं उनका धन्यवाद भी करना चाहूँगा। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं मेथी पुलाव की रेसिपी। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं मेथी पुलाव बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। पहले हमें चाहिए 2 कप बासमती राइस, इसे मैंने आधे घंटे तक धो के भिगो के रखा हुआ था। मेथी लीव्स, यहाँ मैंने 1 गुच्छा का यूज़ किया है। कोकोनट मिल्क, यहाँ हमें फर्स्ट मिल्क और सेकेंड मिल्क का यूज़ करना है। तो दोस्तों, कोकोनट मिल्क निकालने का वीडियो मैंने पहले ही अपलोड किया हुआ है, अगर आप चाहें तो ऊपर दिए गए आई बटन पर भी क्लिक कर सकते हैं। फिर हमें चाहिए 1 बड़ा प्याज, इसे मैंने पतला पतला काट लिया है। फिर हमें चाहिए अदरक क्रश किया हुआ, ग्रीन चिली, हल्दी पाउडर और नमक। फिर हम एक कढ़ाई गरम कर लेंगे, इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। मैं यहाँ नारियल तेल का यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि कोकोनट मिल्क के साथ कोकोनट ऑयल बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है और बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। तेल गर्म होने के बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। यहाँ मैं 1 बड़ा प्याज का यूज़ कर रहा हूँ और इसे मैंने बहुत ही पतला काट लिया है। आप प्याज जितना ही पतला काटेंगे तो उतना ही जल्दी पकेगा। फिर हम ऐड करेंगे नमक। नमक डालते ही प्याज मॉइस्चर रिलीज कर देगा और ये जल्दी ही पकने लगेगा। इसे हम अच्छी तरह सॉटे करते रहेंगे, तकरीबन 2 से 3 मिनट तक इसे हम सॉटे कर लेंगे। जब प्याज पकना शुरू हो जाए, इसका रंग चेंज हो जाएगा और ये ट्रांसलूसेंट हो जाएगा, तब हम इसमें डालेंगे अदरक और हरी मिर्च और फिर से हम अच्छी तरह सॉटे कर लेंगे जब तक अदरक का कच्चापन ना निकल जाए। फिर इसमें हम ऐड करेंगे मेथी लीव्स। दोस्तों, यहाँ हमें सिर्फ मेथी के लीव्स को यूज़ करना है, उसके जो स्टेम्स हैं वो हमें नहीं इसमें ऐड करना है। फिर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, नमक और ये सब डालने के बाद हम इसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसे अच्छी तरह फ्राई नहीं करेंगे तो इसका जो मेथी का जो कड़वापन है वो नहीं जाएगा। तो ये कड़वापन निकालने का एक टिप है कि आप इसे अच्छी तरह फ्राई कर लीजिए। और दूसरा टिप जो इसके कड़वापन को हटाएगा वो है दोस्तों कोकोनट मिल्क। जैसे मैंने पहले कहा था कि मैं डिश में बिल्कुल भी कड़वापन नहीं होगा, वो क्योंकि हम इसमें कोकोनट मिल्क का यूज कर रहे हैं। तो कोकोनट मिल्क डालने के बाद हम इसे थोड़ी देर गर्म कर लेंगे, फिर हम इसमें बासमती राइस ऐड करेंगे और अच्छी तरह हिला लेंगे। और जब इसमें उबाला आना शुरू हो जाए, हम इसे ढक करके 10 से 12 मिनट तक इसे हम धीमी आंच में पका लेंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा मेथी पुलाव बन के रेडी हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत ही पसंद आई होगी। आप ये रेसिपी ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मुझे यकीन है कि आपको ये रेसिपी बिल्कुल कड़वी नहीं लगेगी, जैसे मैंने पहले कहा था। धन्यवाद दोस्तों।